हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मल एनालिसिस, जो कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये टॉपिक है। सो थर्मल एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे समझेंगे एंड इसकी इम्पॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। सो थर्मल एनालिसिस क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मटेरियल साइंस का। सो थर्मल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आर स्टडी एज दे चेंज विद टेम्परेचर। सो इसका बेसिक अगर हम समझे, थर्मल एनालिसिस हम क्या स्टडी करते हैं, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है मटेरियल साइंस का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जहां पे हम किसी भी मटेरियल का जो है प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं कि उसमें मटेरियल, कोई भी मटेरियल है तो उसको जब हम टेम्परेचर के साथ किसी हाई टेम्परेचर में जब गर्म किया जाता है तो उसमें किस प्रकार के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, उसका स्टडी जो है हम थर्मल एनालिसिस मेथड्स का यूज करके करते हैं। व्हेन मैटर इज हीटेड इट अंडरगो सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो जब मटेरियल को गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ सर्टेन जो है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस जैसे कि इंक्लूड फेज चेंज सच एज मेल्टिंग, वेपराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ट्रांजिशन बिटवीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, चेंज इन माइक्रोस्ट्रक्चर इन मेटल एलॉय एंड पॉलीमर, वॉल्यूम चेंज, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस एंड चेंज इन मैकेनिकल बिहेवियर्स। सो फिजिकल चेंजेस जैसे कि वे जो है मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कोई भी मटेरियल को हम जब हाई टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो वे जो है पिघल जाएंगे या फिर वे वाष्प बनकर उड़ जाएंगे, इस प्रकार के कई प्रकार के फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसके स्टडी हम कर सकते हैं थर्मल एनालिसिस मेथड यूज करके। इसके अलावा केमिकल चेंजेस जैसे कि इसमें इंक्लूड है रिएक्शंस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑक्सीडेशन, कोरेशन, डिकम्पोजिशन, डिहाइड्रेशन, केमिजॉप्शन एंड द लाइक। ओके, सो केमिकल चेंजेस इंक्लूड है कोई भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्शंस होता है, ऐसे जो रिएक्शंस होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन का, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आएगा, इसका स्टडी हम कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, कोरेशन जो कि संक्षारण होगा, किस प्रकार से जैसे कोई भी हमारा केमिकल कोरेजन संक्षारण होता है किसी भी मटेरियल का, तो ये सब जो है केमिकल चेंजेस होते हैं, इनका स्टडी हम थर्मल एनालिसिस मेथड्स का यूज करके कर सकते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस ओवर द वाइड टेम्परेचर रेंज। लेकिन ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं ये बेसिकली तभी होंगे जब मटेरियल्स को बहुत ज्यादा वाइड टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, तभी ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। एंड उसके बाद हम इसका थर्मल एनालिसिस मेथड्स का यूज करके हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसका क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मल एनालिसिस मेथड्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं थर्मल एनालिसिस के। तो थर्मल एनालिसिस जो होते हैं, मेथड्स होते हैं, वो बेसिक इन मेथड्स का हम यूज करके किसी भी मटेरियल के फिजिकल और केमिकल चेंजेस को यूज स्टडी कर सकते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट हमारा TGA, ये थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहा जाता है। DTA जिसे डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, DSC डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर मेट्री, NTT थर्मोमेट्रिक ट्रैट्रेशन, DMA डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस, TMA थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है थर्मो एनालिसिस के, इन मेथड्स का हम यूज करके स्टडी कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सभी मेथड्स का बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस पोर्शन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हैंडमेड नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होगा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अगर इसके हैंडमेड नोट्स चाहिए तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा PDF स्टोर का, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर आपको इस यूनिट के हैंडमेड नोट्स के साथ साथ MSc सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सेमेस्टर के नोट्स यूनिट वाइज मिल जाएंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेकआउट, एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो much for watching.